दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग शिवपुरी विधानसभा में हैं और यशोदा राजे सिंधिया यहाँ से विधायक हैं। एक गांव में आए हैं, उस गांव के बारे में जानेंगे, उसके यहाँ के विकास के बारे में जानेंगे, प्लस विधायक जो है वो यहाँ आती हैं कि नहीं आती हैं। चुनाव है सामने, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो गई है। तमाम नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाने लगे हैं। बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, ऐसे में और भी हलचल तेज हो गई। आइए गांव के लोगों से कुछ चर्चा करते हैं, कितना बदल गया गांव। क्या नाम भाई साहब? परमगुरु गोस्वामी। कितने के आओ, कौन से गांव के आओ? नाम तो बताओ गांव को। पुरैनी। पुरैनी, अच्छा। गांव बदले है पहले से, ऐसे ही को ऐसे है गाँव? नहीं नहीं, पंचायत बदल गई। पंचायत बदल गई, विकास हो रहा होगा? नहीं हो रहा हो तो रहो विकास है? हो तो रहो विकास हो रहा हो। विधायक आउत कब तुम्हारे पे? नहीं, वोट मांग भी तो आई हुई है क्या? नहीं आई? नहीं नहीं नहीं, ना वोट मांग भी आउत है? विधायक साहब नहीं आते। अच्छा, विधायक साहब नहीं? कौन है विधायक? यशोदा जी। कौन सी पार्टी से है? बीजेपी से। आपकी दार की खोदे उन्हें खोदे ने बदलने हैं? अब देखो, अब जो समय आएगा बताएंगे। हम आप बोल नहीं पा रहे, समय आए जब बताएं। समय आए जब बताएं। अच्छा, तुम्हारे क्षेत्र में विकास में काम वाम तो हो रहा है? कुछ काम नहीं हुआ। कुछ नहीं हो रहा? सरकारी योजना को लाभ मिल लो? नहीं, कुछ नहीं मिले यार। एक नहीं मिले? नहीं। कुटी मुटी जैसा तो है? कुटी यही सरकार की है? कुटी यही सरकार में मिली? हाँ मिली ना, यही सरकार मिली। और भाई साहब बताओ नाम का है? राम निवास लोधी। लोधी जी, कहा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल जो है कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। यहाँ दोनों तरफ से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रोड डल गया है, उनके पीए वगैरह सब काम कर रहे हैं। और क्या, वो नहीं आती है लेकिन उनके कर्मचारी जो है काम आते हैं? आते हैं लेकिन शिकायत भाई विधायक को आना चाहिए। पूछो आते हैं कि नहीं पूछो? आप बताओ, विधायक को तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे अब वो सांसद को है, सांसद को है, सांसद के पी यादव आए हैं? कौन? एपी यादव नहीं आए? सकल नहीं? तो फिर ऐसे नेता जो आउट नहीं, उन्हें बदलने नहीं है? बदलने का यार, सब देखो जनता को हाथ है। राजे साहब ये तो बदलना ही चाहिए। क्या कह रहे? राजे साहब ये तो बदलना ही चाहिए। को की खोले आना है फिर? हाँ, कोई मान लो सीबरी क्षेत्र का कोई आ जाए, हाँ उसको बदलने, वो उसके घरे तो पहुँच जाए हम के। हाँ साहब, हमारा उनकी पोलिंग जीतती है। विधायक की बात करें, पोलिंग की बात थोड़ी है। विधायक बदलना, विधायक बदलना चाहिए, विधायक काम करना चाहिए। ऐसा चाहना जो अपने बीच को काम करे, वाह बहुत बढ़िया। और भाई साहब कहा नाम? लक्ष्मण सिंह लोधी। कहा है हालचाल, चुनावी माहौल में कहा लग रहा हो? सब बढ़िया है, हम तो बीजेपी कांग्रेस आ रही फ्री सब काम करवा रही, फ्री में लाइट दे रही, कांग्रेस 500 सिलेंडर दे रही, 1000 की पेंशन दे रही, 1000 तो मेलन के काज देने लगी भेजी थी, और 2000 शासन बढ़िया चल रहा है। बीजेपी को बीजेपी के काज वोट दें। शिवराज सिंह चौहान चाहने के बदलने हैं? अब जैसा कोई बन जाए, लेकिन बीजेपी में महाराज बन जाए तो और अच्छी बात है। महाराज को आज को महाराज सिंधिया जी, ज्योतिराज सिंधिया का बनाने, मुख्यमंत्री बनाने उन्हें? अरे सांसद तो बन नहीं पा रहे यार, मुख्यमंत्री बना रहे दादा, तो मजाक कर रहे तुम भी। हाँ भाई साहब बताओ काल चाल। विधायक विधायक कू नहीं आता है, ये भी बात है। कुटिल जल आई है, सिर्फ बिने में से आधा खर्च खा रहा है। आज खर्च खा रहा है, मतलब भ्रष्टाचार मच रहा हूँ। अच्छा जो बताओ, जैसे अपन लोग विधायक को बार बार वोट दे, लेकिन विधायक आउत नहीं आता, जनता के बीच में नहीं आता, ऐसे विधायक को वोट का दिया जा रहा हूँ? अब भाई देखो, अब तुम नहीं रह गए तो साहब मुझे तो निगने पड़ेगा। हाँ, नहीं आऊंगा। हाँ, अगर एक आदमी पीछे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हाँ, अगर नहीं पड़ता तो बाकू गिनती नहीं करेगा। मतलब उनके खिलाफ में कोई बड़ा आदमी नहीं है, चुनाव लड़वे कोई नहीं जाता है, जब भी जीत जाते हैं ये चक्कर में। केबिल के भतीजे लड़े, केबिल लड़े, दोनों उन्हीं को पट्टो है, वे बन गए, भतीजे बन गए, भतीजे बन गए, वे बन गए। काम काज होते नहीं होते उनके? कोई काम नहीं हो रहा है ना, रोजगार के लायक छू है? कोई रोजगार नहीं दे रहा है, और मजबूरी है, सब कह के आए आए आओ करो, इन्हें कुछ नहीं है। गुंडागिर्दी बढ़ी है कि घटी है? गुंडा गुंडी है ना, मैंने नहीं होती है, गुंडागिर्दी नहीं होती? नहीं होती। पेंशन मिल रही आपको? नहीं मिल रही। किसान सम्मान निधि? नहीं मिल रही। पेंशन मिल कछु लाभ मिल रहा योजना? कोई लाभ नहीं, मुझे कुटी मिली। कुटी आ गई? चलो कुटी लाई है तो सब भाई में से मेरी पूरी किस्त रुपी। कितने लग गए? कितने ले आए कुटी? 1,05,000 मिल गया मुझे एक कुटी के, और बाकी आए नहीं है? आज है, मतलब बेहोश हो आज है? अब जो सेक्रेटरी के आ जाए तो आज ही आ जाए। कारण का है जो कुटी को पैसा है वो प्रधानमंत्री डारा थेंगे, तो सीधो आओ खाते। अब तो कांग्रेस की सरकार नंजा को भेजे 100 रुपया, 1 रुपया आए, 100 भेजे 100 ही आ रहे हैं। किसी की गद्दाई अपने करने नहीं है, आपसे झूठ बोले गलत हो जाए। चलो चलो चलो। और दाऊ का नाम? मेरा नाम बालकिशन। बालकिशन जी कैसे लग रहे, कहा है सरकार के बारे में बदलने हैं? सरकार के जैसा है सरकार की बदलने में, हमें पहले तो साहब को
एक पांच पैसे नहीं लेता था। अच्छा अच्छा नहीं अभी भी नहीं। और जब से ये नरेंद्र मोदी बैठे हैं, जब से हमारे लिए जमीन के बारे में दो दो हजार रुपया। अच्छा, किसान सम्मान निधि दो दो हजार आने लगी। दो दो हजार आने लगी। और साहब हमारी ना कोई वृद्ध पेंशन है और ना हमारा बीपीएल है और ना हमारी अभी एक एक हजार रुपया लाडली बहना जे मिले हैं जे ट्रेन की लाने। हाँ, तो हमारी डुकैया बेबी नहीं है। डुकैया नहीं है, सब पैसा डुकैया है लेकिन। हाँ, हम तो डुकरा डुकैया तो ही है लेकिन उन्हें पैसा नहीं आ रहे। हाँ, नहीं, नहीं आ रहे सब। अब कहाँ तो है, मतलब 60 साल वाला को नहीं मिला। बोला 60 साल से ऊपर वाले को भी बयानी नहीं मानना है। मम्मा ध्यान रखो यार, कम से कम 60 साल की भी तो बयानी मानी जाए। अच्छा, हमारा कोई सुनैया नहीं है। हम तो है, सुन तो रहे, सुनाओ। सुन रहे हो तो हमारे लिए वृद्ध पेंशन हो जाए। डुकैया जी, शिवराज सिंह चौहान से कहो कि हमारी डुकैया 60 साल की ऊपर हो गई। तुमने कहा कि हम कह तो रहे, कह रहे जाओ तो या बजे जाने। शिवराज सिंह चौहान से कहो कि हमारी डुकैया 60 साल की हो गई। अकेली 60 साल से नीचे इनको बहन नहीं मानो, हमें भी जीजा मानो, उन्हें बहन मानो। आपने जो कही कि हम तो है, अच्छा तो हमें तुम देने लगो। सरकार दे अपन खुद आवाज उठाने। तुम जीजा बन जाओ, बे उनकी बहन बन गई तो कहो अब कि भैया जीजा को परेशान, जीजा परेशान हो रहे जो 60 साल से ऊपर की हो गए, बहन जिनकी 60 साल से ऊपर की हो गई उन्हें भी पैसा दो। भाई तो आप देखो भाई, हम नहीं दे रहा हूँ। सुन लो, तो क्या कर। सुनाओ नेताजी का हाल चाल है। बढ़िया हाल चाल है। को है विधायक तुम्हारे? देखो यशोधरा राजे सिंधिया आती है। कहो आते कभी कभी थोड़ा पे कछु करे सीपरी तो हफ्ते में आती रहती। अच्छा, है आती हैं, आती हैं मंडल में भी आती है, घोड़ा आती है सीपरी। आप वोट में वोट तो थे कि लोग भी देते ना, देते तो कहीं नहीं आती हैं। इधर तो कभी कभी आती हैं, कभी कभी कछु करा है। अरे करा भी तो बिनेगी दे ना, जो रोड है 24,000 रुपए डिलीवरी के है एक, और जाके पैसा है बस। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं हम यहाँ दोबारा बेका दोबारा है संबल योजना के पैसा दो लाख। शिवराज सिंह चौहान पर का दे रहे हैं? अरे तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार वाली जब दे रहे। हाँ, सरकार है जब दे रही है तो सरकार इनकी वजह से है। सरकार तो अभी इनकी वजह से है कि शिवराज की वजह से, थोड़ी हमें पता किसकी वजह है। भतीजे की वजह से है, कि भतीजे की वजह से शिवराज की सरकार तो अभी। अच्छा, और जमीन स्तर पे क्या स्थिति है? भ्रष्टाचार बढ़ी है कि घटी है? महंगाई बढ़ी है कि घटी है? अब महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। सिलेंडर अगर 500 में देने लगे बीजेपी तो बढ़िया बात है। 1200 में दे रहे सिलेंडर, बढ़िया बात है। अरे बयान को याद कर रहे हैं, 27 तारीख को फिर से हो सकता है 500 में सिलेंडर देने लगे। क्या हो रहा है? हां तो 500 में दे लगे तो एक भाई जैसे बे पैसा है 1200 में पर रहा हूं, 200 वे खाते में वापस कर रहा है तो 1000 को पर रहा है, 500 को देवी की तैयारी कर रहे हैं। 57 रुपए 21 पैसे मेरे खाते में आता है, मेरा निजी कनेक्शन है सिलेंडर का और महंगाई है। 1180 रुपए भरता है, मतलब 1200 ये पहले 500 भरता था जब 200 रुपए सब्सिडी आता था। कांग्रेस कह रही हम फ्री लाइट दे रहे, 500 को सिलेंडर दे रहे, 1000 की 1500 की हम पेंशन दे, भरोसा है सब्जी? सरकार बनने के बाद कह रहा है कि सरकार बने जाए तो पहले ही दे दो ना। सरकार ही नहीं जाए उनकी सरकार, हमने 20 साल देख ली, 40 साल उनकी अंधेरा था जब भाजपा सरकार आई, जब लाइट गाँव में आई है। पहले कांग्रेस रही थी तो पहले कांग्रेस 50 साल रही, कांग्रेस ने जो है कुछ करो तो का। अच्छा, और जब से बीजेपी आ गई जब से भ्रष्टाचार बहुत मिटो है। बेटा गांव में भ्रष्टाचार है कि नहीं? तुम्हारे गांव में? गांव में हमारे गांव में कोई भ्रष्टाचार नहीं। चलो सुगंध राज चल रहा है, सुगंध राज है, सुगंध राज चल। और भाई साहब और छोटू का हाल चाल है? कहा है तुम लोग, बोलो कोई सुनाओ, तुम बोलो, तुम बोलो कछु, सुनाओ का हाल चाल है? बढ़िया है यार। नेता लोग वोट ले जात उसके बाद फिर आउत नहीं जाए, ऐसे नेतन के संग का होना चाहिए? नेतन के संग वो बदल देना चाहिए, बदल देना ही चाहिए। जब जो विधायक आउत नहीं जाए उनका क्या मतलब? सही बात है। तो की खोले आने जो भी बीजेपी से दूसरो आ जाए ना तो वो तो यार वो आन जान तो स्वभाव जो लोग इनके बीच को हो गए बाहर ही नहीं चाहने का फुगा भतीजे नहीं चाहने। लाइट में जे तो घर उजल नहीं जी लाइट है, मतलब जी कोई मतलब सरकार की नहीं है तो फुगा भतीजे के अलावा और कोई ना चाहने। वैसे तो कछु वो नहीं है। के पी यादव आए कहीं तो आ जाए ना, हम मना कर रहे हैं लेकिन बोलो सरपंच आप बोले, आप बोलो सरपंच का बोले, आप बोलो ना पहले। सरपंच साहब कब बोले? सरपंच साहब कह रहे थे ये कह रहे हैं अधिकारी इन जाते हैं सभी कहते हैं गरीब लोगों की इतने पैसे दो, भ्रष्टाचार है पटवारी। मेरा 2000 के में मेरा पिताजी खत्म हो गया था तो साथ में तुम मेरे पिताजी के मरने आ जाए थे तो हमने सोची कि अब नामंत्रण नहीं हुआ तो पटवारी न गए, तो पटवारी न गए तो वो मांगता है 10,000 रुपये दे दो एक दिन मंजूरी करके हम दे दे उनको, हमने दिए कितने रुपये 2000 के मैं कर दूंगा तो उसने नहीं किया है नामंत्रण। तो जो भ्रष्टाचार
हलचल मचा तुम्हारी, तुम्हारी तुम मुझे पीट जाओ, तुम रिपोर्ट करके चले जाओ, मैं पैसे वाला नहीं है, पैसे वाले जो वोट ले जाए कोई नहीं आता है। हमारे क्षेत्र के विधायक ऐसे हैं तो कभी उनसे बात संपर्क हो ही नहीं पाता है, उनके पीए किसी से संपर्क नहीं हो पाता है, इसीलिए प्रताड़ित करते हैं लोग। पटवारी है, पटवारी सीमांकन के पैसे मांगता है, नामांतरण के पैसे मांगता है, तहसील में तहसील में हर जगह भ्रष्टाचार, तहसील में सब तो कागज है, नामांतरण के पैसे मांग रहा है, हमें नामांतरण करवाना, हमारे पिताजी खत्म हो गए, तो 10,000 रुपये विधायक का वोट कायदा जा रहा है, सरकार कांग्रेस की जाना है, इसका इस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है, बहुत है। पटवारी पैसा ले जी, अभी बोल रहे थे ना कि विधायक आए हैं, अभी तक इतनी जनता खड़ी है, किसी से भी पूछ के देखो कि अभी तक विधायक आया है क्या, पूछो बताओ, सच बोलना, अभी तक विधायक को देखा है किसी ने, अभी तक चेहरा भी नहीं देखा, ओनली पोस्टर पे देखते हैं कि हाँ जी यशोधरा जी है, आप सामने आओ, सामने था, किसी ने अभी तक नहीं देखा है। काजू जैसा ही विधायक सरकार कांग्रेस की ही चाहिए, कांग्रेस चाहे इतना विधायक की को चाहना, फिर अब विधायक तो सामनदास के नाती है के और दूसरे आ जाए इनके अलावा, हाँ। कोई भी युवा भतीजे के अलावा जो चाह जाएगा, जो भी आ सकता है, लेकिन यशोधरा जी नहीं। आप थोड़ी महिलाओं से बात करें, यहाँ माता शक्ति भी विराजमान है, कहा ना हो काकी, कितने की यहाँ आप लोग, इतने सरकार कैसे काम कर रही, बढ़िया, 1,000 आ गए मम्मा के, आप सबको 1,000 आ गए, तुम्हें नहीं आए, आपको 1,000 आपको पेंशन आ रही थी, पेंशन बंद हो रहा है, जो नहीं बूढ़े आदमी, आपको 1,000 100 साल की हो गए, ज्यादा की भी नहीं, पेंशन नहीं, पेंशन नहीं, विधायक को है आपके, देखो विधायक को है, विधायक को जानती, वोट की खोलाओ तो वोट दो, अच्छा लेकिन मम्मा की तुम्हें 1,000 रुपया आ रहा है, और कौन योजना मिली, सिलेंडर मिले हुई है, सिलेंडर कुटी पैसा चलाई थी, कुटी भी मिल गई, कुटी भी मिल गई, आपको लाडली बहना योजना में आपको नाम है कि नहीं, 1,000 रुपया नहीं आया, अरे मम्मा रक्षा बंधन की बात है, अच्छा आपको है हमें पेंशन मिलती, जो पेंशन मिलना ही कुटी मिली, कुटी कुटी भी नहीं मिली, सिलेंडर सिलेंडर तुम्हारी नेता सुन भी नहीं आती, कौन सिलेंडर मिली, 1 किलो और सुशासन से ना मिले, सिलेंडर को खाली है, चूटे से मिले, सिलेंडर तो मिले है, भरवा नहीं पा रही हूँ, अब तो बैंक होगा कैसे भरवा ले, सबको तो 1,000 रुपया पेंशन है ना, मान सही नहीं हो, पेंशन नहीं हो, 1,000 रुपया जो विधायक बनती उनके बीजेपी के नेता सुन भी नहीं आते थे तुम लोग, के पैसा मिल रहा है, बाल बच्चे हो रहे बिन के मिल रहे, और लाडली कुटी ले काल रहे, सबका छू तो दे रहा सरकार, तो दे रही सरकार, तो दे रही, लेकिन पहुँच नहीं रहा, पहुँच नहीं रहा, सुनाओ काफी काल चाल है, की विनती पानी नन्ना, पानी नन्ना और पानी चाहिए, पीपी चाहिए बोए है, झोपड़ी जाट कर देखो तो झोपड़ी कैसी, मैं आदिवासी नहीं हूँ, अच्छा आदिवासी नहीं हूँ मैं, जो नेता उधर पूछ भी नहीं होता, नहीं आते कोई नहीं पूछे, और जेठ समय ना सके पेंशन नहीं मिल रही, पेंशन भी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, पेंशन भी नहीं मिल रही, कौन से गाँव की आओ, परेशानी की हूँ मैं, कहाँ की हूँ, तुम्हें वो 1,000 रुपये मामा भाई आए कि नहीं आए, नहीं आए मामा भाई, बेन है परेशान है मम्मा, और का है नाम, बिना कछु मिली सरकारी योजना, कछु नहीं मिल रहा है, कछु तो मिले हुई है, सिलेंडर कुटी सम्मान निधि नहीं मिली है, कछु नहीं मिली, हमरे तो अरे फट गए आदमी, अच्छा हम तो परेशान, प्रधान जी प्रधान जी तुम्हें यहाँ प्रधान, चलो बताओ का है तुम्हारे गांव की स्थिति, का है गांव की घूंघट उठा लो, ऐसी है कि विपक्ष पार्टी, अच्छा आपने प्रवक्ता रख लो, प्रवक्ता रख लो, हाँ बताओ, हमारे यहाँ पर ऐसी है कि हम अगर काम भी करते हैं ना सरपंच जी, मतलब हमारी मम्मी जी, तो उनको विपक्ष पार्टी वाले रोक करते हैं, हर बार काम नहीं करने देते, हम अगर विकास करना चाहते हैं तो विपक्ष पार्टी वालों को क्या परेशानी है, हाँ अच्छा आप चुनाव जीत के प्रधान बन गए, हाँ। और जो विपक्षी जो हार गए विरोध करते, विरोध करते हर बार, समझ लो आज RCC हो रही है तो मशीन से थोड़ा बहुत तो काम करवाना पड़ेगा, मजदूरों के साथ सपोर्ट तो चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर तो उठा नहीं पाएंगे, तो मशीन से थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं तो धमकी देते हैं तुम्हारा काम बंद करवा देंगे, मजदूरों
को हम अफवाह कर लेंगे, या हम जैसे लोगों पर मुझ पे लगाया तो उनने आरोप कि ये लड़का कुछ करता है, थाने में पिटवाने की मम्मी है, मतलब धमकाने की वो करते क्यों करते हैं, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? काम रुक जाए और 2.5 साल बाद सरपंच उनके हाथ में आ जाए। कैसे आ जाए? वो विरोध पर विरोध करके बार अगर उन्हें संग ले लो, सुनी करा विरोध पर नहीं, वो कहते हमें संग ले लो। अच्छा। हम जैसा पैसा खाएं वैसा खाने दो। अच्छा हाँ, कहाँ ना हो कछु पता हो जाना, कुआर भी विपक्ष पार्टी वाले, विपक्ष पार्टी वाले हैं। तुम तो बोलो कछु, तुम्हारे पर तुम प्रधान हो, जनता ने वोट दे दो, तुम बोले नहीं जनता ने, क्या वो लड़का ने सुना था, वो ये ना वही है इधर परेशान कर रहा है आपको, परेशान कर रहा है, शिकायत कर दी। मैं भी पंचायत में भी ऐसे ही करते, काम नहीं करने देते, इधर भी गांव में करते तो वो भी काम नहीं करने देते। अच्छा, काम करने दे रहे, परेशान कर रहे, परेशान कर, अधिकारी सपोर्ट नहीं करे, ऊपर बैठे अधिकारी है उनसे नहीं कहती आप यहाँ परेशान कर, पैसे भर देते ऊपर वालों को मैनेज कर ले, परेशान हो हम जाते हैं तो ऊपर वालों से बोलते हैं कि तुम 5% मांगते तो 15% मांगो, तो वो दे ही नहीं पाए, और ना काम करवा पाए, इससे गांव का भी विकास नहीं होगा और ना वो काम कर। अच्छा, आप शिकायत कितने कर जाओ, पिछोड़ जाते भी जाते हैं, शिवपुरी भी जाते हैं, पिछोड़ भी लगता है आपका? हाँ, शिवपुरी भी जाते हैं। शिकायत कर रहे, सुन नहीं रहे आपकी, शिकायत ज्यादा करके सुनते नहीं है वो। ये स्थिति है, कौन से गाँव के हो? पुरैनी, ग्राम पुरैनी गाँव के प्रधान है, काम करने का प्रयास कर रहे, लेकिन विपक्षी लोग जो कि हर चुनाव, हर गांव की यही स्थिति है कि जो चुनाव हार जाते परेशान करत, लेकिन जब ऊपर बैठी ब्यूरोक्रेसी इनको साथ नहीं दे तो इनको उस साथ टूट जाए। कौन से वर्ग कैटेगरी से आओ आप लोग? गोस्वामी। कौन सी कैटेगरी से आओ? ओबीसी। ओबीसी से आते, ओबीसी से आते हैं लोगों, इन लोगों के लिए सपोर्ट नहीं। कैसे चुनाव जीते आप लोग? गांव करने खड़ा करे तो क्या? गांव करने इसलिए खड़ा किया था कि उनका गांव में विकास हो, क्योंकि हर साल दूसरे गांव का जो बनता था सरपंच, वो गांव में विकास हमारे गांव में बिल्कुल नहीं करवाया, इसलिए लोगों ने सोचा कि इस गांव में हम सरपंच बनाएंगे तो हमारे गांव का विकास हो गया। पर विपक्ष पार्टी वाले वो भी नहीं होने रहे, इस गांव का विकास वो चाहते ही नहीं है। अभी शिकायत कहां कहां करी आपने? हमने शिवपुरी भी गए थे और पिछोर में। क्या हुआ? शिवपुरी से बोलती है कि बाद में हो जाएगा, तुम तसल्ली रखो, ये बोलते थे बार बार, लगातार परेशान कर रहे, परेशान हो जाते हैं हम यहाँ पे। यही सही बात है प्रधान जी? सही बात है, सही बात है। जनता ने तो वोट दो तो तुम कछु नहीं कर पा रही, लड़ भी नहीं पा रही, बताओ। लेकिन पहुंच जाओ जनता को, कलेक्टर के सामने बैठ जाओ सब लोग। कलेक्टर के पास भी एक दो बार गए थे हम। हाँ, विपक्ष पार्टी वाले पर क्या पड़ते, मजबूत है, हमारे ऊपर केस कर देते ना। अच्छा, हाँ समझ लो, हम गए हैं, 3-4 लोग हैं हम इनके सपोर्ट करने वाले, तो हम झूठा केस लगाते हैं। अभी लगा दिया था एक्सीडेंट का, अभी वापस लगा दिया कि मारपीट की, गाली गलौज करते हैं हम, ऐसा कुछ भी नहीं करते हम। एक गाँव के प्रधान और उसके पुत्र का दर्द समझो, चुने जनता ने, गांव के लोग भी बहुत सारे खड़े हैं, काम नहीं करन दे रहे, जा स्थिति है। आम लोगों से हम लोग चर्चा कर रहे थे चुनाव के साथ साथ और भी मुद्दों पे, सब ने अपने अपने विचार रखे हैं, ऐसे किसी फिर नए गांव में हम लोग पहुंचेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, नमस्कार।